माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर टू रेन बियरिंग क्लाउड्स एंड कॉज रेनफॉल. अब जो माउंटेन्स है वो हमारा रेन बियरिंग क्लाउड्स के बीच में बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और रेनफॉल कॉज करते हैं. माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स. अब जो माउंटेन्स हैं वो हमारे कोल्ड और हॉट विंड्स के बीच में भी एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं. रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन. अब वो रिवर जो हमारी माउंटेन से ओरिजिनेट हो रही है यानी कि जहाँ से हमारी रिवर बहनी शुरू हो रही है वो इरीगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करती है. माउंटेन्स आर ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शंस बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सीनिक स्पॉट्स. अब जो माउंटेन्स हैं वो टूरिस्ट के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट होता है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी सीनरी होती है यानी कि जो व्यू होता है वो बहुत अच्छा होता है. माउंटेन्स आर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सो प्रोवाइड मैनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक वुड हर्ब्स मेडिसिनल प्लांट्स हनी. अब जो माउंटेन्स है उसके आसपास फॉरेस्ट होते हैं तो उससे क्या होता है हमें वहाँ पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट मिल जाते हैं जैसे कि वुड्स हो गए, हर्ब्स हो गई, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, हनी हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा प्लैट्यूज. प्लैट्यू क्या होता है? अ प्लैट्यू इज अ फ्लैट एंड एलिवेटेड लैंड. इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ माउंटेन दैट हैज बीन कट फ्रॉम वन साइड टू द अदर नियर द टॉप. अब जो प्लैट्यू है वो हमारा बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है लेकिन थोड़ा उभरा हुआ होता है. ये दिखता तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारा माउंटेन की तरह दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमने उसे एक साइड से कट कर दिया हो. बिकॉज ऑफ दिस शेप अ प्लैट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड. और उसकी इस शेप की वजह से हम उसे टेबल लैंड भी बोलते हैं. द हाइट ऑफ प्लैट्यू कैन बी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स. अब जो प्लैट्यू की जो हाइट है वो हमारी कुछ हंड्रेड मीटर से लेकर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक हो सकती है. नेक्स्ट है हमारा सम प्लैट्यूज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स. अब कुछ प्लैट्यूज जो होते हैं हमारे वो इतने बड़े होते हैं कि वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए होते हैं. तो द डेक्कन प्लैट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैट्यूज इन द वर्ल्ड. अब जो डेक्कन प्लैट्यू है हमारा इंडिया के अंदर वो दुनिया का सबसे ओल्ड यानी कि सबसे पुराना प्लैट्यू है. सम अदर प्लैट्यूज आर द कोलोराडो प्लैट्यू इन नॉर्थ अमेरिका एंड बोलिवियन प्लैट्यू इन साउथ अमेरिका. अब कुछ हमारे पुराने प्लैट्यूज है जैसे कि हमारे कोलोराडो प्लैट्यू नॉर्थ अमेरिका में और बोलिवियन प्लैट्यू साउथ अमेरिका में. मैनी प्लैट्यूज हैव डीप कैनियंस ऑन देयर सरफेस. अब बहुत से जो प्लैट्यूज होते हैं उनका जो सरफेस होता है उसके अंदर डीप कैनियंस बने होते हैं. कैनियन होता है जो हमारी बहुत गहरी वहाँ पे घाटियाँ होती हैं. Importance of plateaus. Plateaus are rich in mineral deposits. Many mining belts in the world are located in the plateau areas. अब जो plateaus है वहाँ पर बहुत तरीके के minerals पाए जाते हैं. वहाँ पर काफ़ी सारे mineral deposits होते हैं और ज़्यादातर जो हमारी mining belts होती हैं world की वो plateau areas में पाई जाती हैं. Most of the mining areas in India are in the Chota Nagpur Plateau in Jharkhand, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. और ज़्यादातर हमारे जो माइनिंग एरियाज हैं इंडिया के अंदर वो कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लैट्यू इन झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़. द अफ्रीकन प्लैट्यू इज फेमस फॉर माइंस ऑफ गोल्ड एंड डायमंड. अब गोल्ड और डायमंड की माइंस के लिए हमारा फेमस प्लैट्यू कौन सा है? अफ्रीकन प्लैट्यू. मैनी वाटरफॉल्स आर प्रेजेंट इन प्लैट्यू एरियाज. हमारे जो प्लैट्यू एरियाज हैं वहाँ पर वाटरफॉल्स भी पाई जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल जॉग फॉल्स इन कर्नाटका. प्लैट्यूज हैव ग्रास लैंड ऑन विच कैटल एंड शीप आर रियर्ड. अब प्लैट्यूज पे जो ग्रास लैंड होते हैं वहाँ पर हम कैटल और शीप को रियर करते हैं यानी कि उनकी जो स्किन होती है हम उसको उतारते हैं. द लावा प्लैट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल. अब जो लावा प्लैट्यूज होते हैं वहाँ पर ब्लैक सॉइल पाया जाता है. ब्लैक सॉइल इज फर्टाइल एंड इज गुड फॉर कल्टिवेशन. अब जो ब्लैक सॉइल है बहुत फर्टाइल होता है और वहाँ पर कल्टिवेशन भी अच्छे से हो सकती है. नेक्स्ट आता है प्लैट्यू एरियाज आर ऑल्सो ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ सीनिक स्पॉट. प्लैट्यू एरिया है वो हमारे टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन का स्पॉट बनता है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी सीनरी होती है. प्लेन्स. अ प्लेन इज अ फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सरफेस एंड आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल. अब जो प्लेन है वो हमारा बिल्कुल फ्लैट और लो लाइंग लैंड होता है जो हमारा 200 मीटर अबव होता है बस सी लेवल से. दे आर ऑल्सो कॉल्ड लो लैंड. उन्हें हम लो लैंड भी कहते हैं क्योंकि उनकी हाइट ही नहीं होती, वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं.
प्लेन्स आर यूजली फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. अब जो हमारे प्लेन्स है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, जो हमारे सैंड मिट्टी और जो मलबा आता है रिवर्स से और ट्रिब्यूटरी से उससे मिलकर. When the rivers slow down, these materials are deposited on their banks. अब जब हमारी रिवर्स होती हैं वो धीरे धीरे करके आती हैं तो उसमें से जो मटीरियल निकलता है वो हमारे रिवर के किनारे आके इकट्ठा हो जाता है. प्लेन्स आर फॉर्म बाय द डिपॉजिट्स, और वो जो हमारी प्लेन्स होती हैं वो उन्हीं डिपॉजिट से बनती हैं. प्लेन्स नियर द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स. अब जो प्लेन्स हमारी सी कोस्ट के पास होती हैं उन्हें हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स. इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स आर यूजली हाईली फर्टाइल एंड हैंस मोस्ट आइडियल फॉर कल्टिवेशन. अब जो प्लेन लैंड होता है हमारा वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, जो हमारी कल्टिवेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है. मोस्ट एंशंट सिविलाइजेशन केम अप द बैंक्स ऑफ रिवर्स ऑन द प्लेन्स. अब ज़्यादातर जो हमारी पुरानी सिविलाइजेशन होती हैं वहाँ पर रिवर के जो किनारे होते हैं वहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू मेक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन द प्लेन्स. अब हमारे जो प्लेन एरिया प्लेन्स है यानी कि जो प्लेन लैंड है वहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी ईजी होती है. ड्यू टू अबव मैंशन फैक्टर्स प्लेन्स आर द बेस्ट एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन एंड मोस्ट ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर इन द प्लेन्स. अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो हमारी ह्यूमन हैबिटेशन यानी कि ह्यूमन जहाँ पर रह सकते हैं और जहाँ पर वो खेती वगैरह कर सकते हैं वो सबसे ज़्यादा प्लेन्स रीजन में पाई जाती है. द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया इज अमंग द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. अब जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं हमारी इंडिया की वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन आते हैं वर्ल्ड के अंदर.